हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फेस्टिव सीजन है तो मैं आपके साथ लेकर आई हूँ बेसन की दानेदार बर्फी। घर के बेसिक सामान से और बहुत ही स्वादिष्ट ये बेसन की बर्फी आपके फेस्टिवल्स का मजा दुगना कर देगी। और साथ ही आप इन बर्फियों को स्टोर करके भी रख सकते हैं, बिल्कुल भी खराब नहीं होती। बर्फी बनाने के लिए लेंगे हम 2 कप बेसन। मैंने यहाँ पर पैकेट वाले बेसन का यूज किया है। अब हम बेसन को छान लेंगे। बेसन को छानने से ना इसमें जो भी कोई गुठली होगी वो निकल जाएगी। मैंने बेसन को मापने के लिए सिंपल घर की कटोरी का यूज किया है, तो आप कोई भी छोटे बड़े साइज की कटोरी ले सकते हैं। बेसन को मैंने अच्छे से छान लिया है। अब मैं आपको इंग्रेडिएंट्स दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिया है बेसन, देसी घी, साथ में बूरा या फिर देसी खांड। फ्लेवर के लिए मैं इसमें डालूंगी मगज और थोड़े सी गुलाब की सूखी हुई पत्तियां। अब कढ़ाई में हम डाल लेते हैं अपने 2 कप बेसन को। हमें बेसन को ड्राई रोस्ट करना है पहले, ताकि उस पर एक अच्छा सा दानेदार टेक्सचर आ जाए। वैसे तो ट्रेडिशनली जो बेसन की बर्फी होती है ना, उसमें बेसन को डायरेक्ट घी में भुना जाता है, लेकिन मैं इस तरह से बनाती हूँ क्योंकि इससे ना एक बेसन के ऊपर दानेदार टेक्सचर आता है, जिससे कि आपकी बर्फी का स्वाद बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो लो मीडियम फ्लेम पर हम बेसन को 4 से 5 मिनट भूनेंगे। तो मुझे इसी तरह से कंटिन्यूस चलाते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। बेसन भुन चुका है, उसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और उसका हल्का हल्का कलर चेंज होना स्टार्ट हो चुका है। बस इस स्टेज पर हम इसमें डालेंगे अपना देसी घी। तो मैंने यहाँ पर 3/4 कप देसी घी लिया है। मैंने मेजरमेंट्स के लिए सेम कटोरी का यूज किया है, तो थोड़ा सा जो घी है वो हमारा बच गया है 2 चम्मच के अराउंड, उसे हम बाद में डालेंगे। बेसन को घी के साथ बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। जैसे जैसे घी मेल्ट होगा ना, वैसे वैसे ही बेसन जो है आपका घी के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगा। जो गुठलियां बन गई है ना स्पैटुला से, उसको भी हम खोलते जाएंगे। आप देख सकते हैं जैसे जैसे घी मेल्ट हो रहा है ना, बेसन का कलर भी हल्का सा डार्क हो गया है। वो इसलिए क्योंकि हमने बेसन को पहले भुन रखा है। तो घी हमारा बेसन के साथ अच्छे से मिक्स हो चुका है। अभी आपको लग रहा होगा कि घी बहुत ज्यादा कम है, लेकिन जैसे जैसे बेसन भुनेगा ना, वो घी को रिलीज कर देगा। तो इसी तरह से कंटिन्यूस चलाते हुए लो फ्लेम पर हम अपने बेसन को 7 से 8 मिनट के लिए भून लेंगे। और जो गुठलियां बनेगी ना, उसे भी हम खोलते जाएंगे स्पैटुला की बैक साइड से, ताकि हमारा जो बेसन है ना वो अच्छे से भुन जाए। मुझे बेसन को भुनते हुए अभी सिर्फ 3 मिनट हुए हैं और आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर बिल्कुल चेंज हो गया है, दानेदार बन गया है। और जब मैं स्पैटुला से प्रेस कर रही हूँ तो ऐसा नहीं लग रहा है कि घी कम है। अब जो स्पैटुला पे बेसन लगा है ना, उसे भी हम चम्मच से निकालते जाएंगे, नहीं तो वो कच्चा रह जाएगा। आपने देखा होगा कि कई बार जब हम बेसन की बर्फी खाते हैं तो वो गले में चिपकती है, उसमें हमारी भुनाई में कसर रह जाती है, बेसन हमारा हल्का कच्चा रह जाता है। इसलिए बेसन की भुनाई बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बेसन को लो फ्लेम पे रोस्ट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप तेज फ्लेम पर कर देंगे ना, तो ऊपर से तो कलर आ जाएगा, लेकिन अंदर बेसन कच्चा रह जाएगा। मुझे 5 मिनट हो चुके हैं बेसन को इसी तरह से चलाकर भुनते हुए, और अब आप देखिए इसका टेक्सचर बिल्कुल चेंज हो गया है, बेसन ने घी को छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। अभी हमें इसे 2 से 3 मिनट और भुनना है। इस स्टेज पर जो हमने 2 टेबलस्पून देसी घी बचाया था, उसमें से 1 टेबलस्पून देसी घी ऐड कर लेंगे। अब वापस से हम घी को अच्छे से मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट भुनेंगे। मुझे बेसन को भुनते हुए 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। इस स्टेज पर आपको बेसन को हमेशा दबाकर भुनना है, ताकि उसमें गुठलियां ना पड़े और आपका बेसन अच्छे से रोस्ट हो। और बेसन ने घी को अच्छे से छोड़ दिया है। आप देख सकते हैं पहले बेसन बिल्कुल बिखरा हुआ था, लेकिन अब इसका टेक्सचर बिल्कुल चेंज हो गया है। बेसन में से बहुत अच्छी खुशबू आने लग गई है, और यही पहचान है कि आपका बेसन अच्छे से भुन चुका है। इस स्टेज पर हम इसमें डाल लेंगे मीठा। तो मीठे में मैं आज यूज कर रही हूँ देसी खांड। ली है मैंने 3/4 कप से थोड़ी सी ज्यादा। आप अगर तेज मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें 1 कप तक डाल सकते हैं। अगर देसी खांड ना डालना चाहें तो आप बूरे का भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो चीनी को पीस कर भी आप इसमें डाल सकते हैं। देसी खांड को हम बेसन के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे।
इस स्टेज पर अगर आपको लगे कि जो बेसन है वो कढ़ाई पर चिपक रहा है तो आप फ्लेम को थोड़ी देर के लिए बंद कर सकते हैं। तो मैंने फ्लेम को बंद कर दिया है और हम स्पैटुला से दबाते हुए देसी खांड को अच्छे से मिक्स करेंगे बेसन के साथ। जैसे जैसे देसी खांड बेसन के साथ अच्छे से मिक्स होगी वो मेल्ट होगी और वो भी एक बाइंडिंग टेक्सचर देगी आपकी बेसन की बर्फी को। इस स्टेज पर जो हमारा 1 टेबलस्पून देसी घी बचा था ना वो हम इसमें ऐड कर लेते हैं। अगर आप सारे टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो आपकी बर्फी बहुत ही टेस्टी और दानेदार बनेगी। तो घी को अच्छे से मिक्स करेंगे हम वापस से। घी हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है और बेसन का हमारा जो टेक्सचर है बिल्कुल परफेक्ट है। मैं आपको दिखाती हूँ, जब मैं चम्मच से इसे प्रेस कर रही हूँ ना तो आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर बिल्कुल चेंज हो रहा है, ये चम्मच की शेप को होल्ड कर रहा है। तो हमें यही टेक्सचर चाहिए। अगर इस स्टेज पर आपको लगे कि आपका मिक्सचर थोड़ा सा ड्राई है तो आप 1 से 2 चम्मच देसी घी और डाल सकते हैं। अब मैं इसमें डालूंगी मगज। तो मैंने यहाँ पर ली है 1/4 कप मगज। आप चाहें तो अलग से देसी घी में भी भूनकर मगज को डाल सकते हैं। इस स्टेज पर बेसन हमारा बहुत गर्म होता है तो अच्छे से मगज आपकी भुन जाती है, क्योंकि बेसन में घी भी खूब सारा है। तो बस इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और आप देखेंगे कि मगज आपकी कुछ ही सेकंड में फूल जाएगी। मगज अच्छे से फूल गई है तो इस स्टेज पर फ्लेम को कर देंगे हम बंद। बर्फी बनाने के लिए मिक्सचर रेडी है। सेट करने के लिए मैंने यहाँ पर एक स्क्वायर मोल्ड लिया है। अगर आपके पास ना हो तो आप किसी थाली का भी यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा घी से ग्रीस करेंगे और अपने बेसन के मिक्सचर को इसमें ट्रांसफर कर लेंगे। स्पैटुला से चारों तरफ अच्छे से फैला लेंगे और इसे हम सेट कर लेंगे अपने मोल्ड में। बस अब हम इसे गार्निश करेंगे मगज के साथ। आप यहाँ पर कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। ऊपर से डालेंगे थोड़ी सी सूखी हुई गुलाब की पत्तियां और थोड़ा सा हरा पिस्ता बारीक कटा हुआ। नट्स को हम जेंटली प्रेस कर लेंगे ताकि वो बर्फी में अच्छे से सेट हो जाए। 15 से 20 मिनट हम बर्फी को ठंडा होने देंगे। बर्फी का मिक्सचर हमारा थोड़ा सा ठंडा हो चुका है। अब हम इसे नाइफ से कट कर लेंगे। आप छोटा बड़ा बर्फी का साइज अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मिक्सचर को ठंडा होने से पहले ही आप उस पर कट के निशान लगा लें। अगर मिक्सचर ठंडा हो गया फिर आपकी बर्फी अच्छे से नहीं निकलेगी। बस इसे हम ठंडा होने देंगे। हमारी बर्फी अच्छे से सेट हो गई है। बस मोल्ड में से अपनी बर्फी को हम निकाल लेंगे। अगर आपको लगे कि बर्फी इजली बाहर नहीं आ रही है तो आप 10 सेकंड के लिए मोल्ड को गैस पर भी रख सकते हैं। उससे हल्का सा घी मेल्ट होगा और आपकी बर्फी इजली बाहर आ जाएगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।